नमस्कार साथियों, हमारे साथ त्रिवेदी जी हैं और ये त्रिवेदी जी वो शख्स है जो 1973 में जब जनसंघ और कांग्रेस के बीच विवाद हुआ था, उस विवाद में इनको गोली तक लगी थी। ये इंदिरा जी के कट्टर समर्थकों में से एक है। त्रिवेदी जी से मैं चाहूंगा कि एक बार वो अपना जहाँ पे गोली लगी थी उसको दिखाएं और लोगों को ये बताएं कि देश की एकता और अखंडता के लिए गोली खाने वाले लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। देश को बचाने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है कांग्रेस का, और त्रिवेदी जी इसके कोहिनूर के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। त्रिवेदी जी, आप अपना पूरा नाम और रायबरेली जाकर इंदिरा जी के लिए संघर्ष की कहानी हमारे कैमरे के सामने बताएंगे तो बड़ा लोगों तक एक संदेश पहुंचा पाएंगे। मैं जन्मा संबलपुर में, प्राइमरी शिक्षा हुई रायबरेली में, उसके बाद अपर ग्रेड की शिक्षा हुई सागर यूनिवर्सिटी एमपी में और अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी रीवा एमपी में। उसके बाद छोड़ करके मैं अपने गृह क्षेत्र पूर्वजों के गृह क्षेत्र रायबरेली में गया और वहाँ पर रहता था। 1971 में इंदिरा जी जिस समय सांसद बनी रायबरेली से और प्राइम मिनिस्टर होने का गौरव भी इंदिरा जी को रायबरेली में मिला, और ऐसा गौरव मिला कि अपने विरोधियों को मात करते हुए दो तिहाई बहुमत उन्होंने उस समय 352 सीटों का आंकड़ा पार किया था। ये पहला दो तिहाई बहुमत का उनका पहला कारनामा था। उस समय देहातों में क्या था, जनसंघ का राजाओं में जनसंघ का बोलबाला था, तो वहाँ आपस में लड़ाई, मैं बड़ा वो बोलता था, मैं बड़ा, कांग्रेस पार्टी बड़ी है, कांग्रेस का ये है, वो लोग जनसंघ का बोलते थे, जनसंघ में आइएगा। उसमें आपस में संघर्ष होने से ऐसा विवाद बढ़ा कि झगड़ा बढ़ा। उसके बाद में आपस में गोलियां भी चली, गोलियों में मेरे को 2-3 छर्रे लगे थे जिसको सरकार ने निकाला। मैं जानना चाहता हूँ, भारत जोड़ना, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मालूम नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी उस समय 20-22 साल के लड़के थे, जो उम्र हमारी थी 22-23 साल की वो मोदी जी की थी। तो मोदी जी को वो ज्ञान नहीं है कि देश जिस समय गुलाम था, गुलाम से आने के लिए उन्होंने, मोदी जी जो ललकारते हैं बार बार, नेहरू जी इंदिरा जी ने कुछ नहीं किया। तो मोदी जी को ज्ञान होना चाहिए कि तुम्हारे पूर्वज उस समय क्या कर रहे थे, तुमको भी आके कूदना चाहिए। तुम्हारे पूर्वज, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके पूर्वज घर में घूम रहे थे और आप बोलते हो हिंदुस्तान का आदमी पंडित जवाहरलाल नेहरू, माता इंदिरा जी ने कुछ नहीं किया और आपने सब कर दिया 10 साल में। ऐसा तो मैं वार्ड ऐसा देखता नहीं होगा। और जो आप राम मंदिर बनाने का श्रेय ले रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ माननीय रामचंद्र जी सभी हिंदुओं के आस्था हैं, राम जी एक अवतार है, जो शिव से राम जी बने हैं, राम जी के अवतार में उन्होंने अवतार लिया है। पहले शिव को मानने वाले हिंदुस्तान का सनातन धर्म है, रामचंद्र जी उसके पीछे माने गए हैं। तो कांग्रेस को बदनाम करना ये मोदी जी के चुटकुले हैं, चुटकुलों से देश नहीं चलता है। तो ये मोदी जी के चुटकुले हैं ऐसा कहना है त्रिवेदी जी का, और इस बात पे थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में डालूंगा। 17 सितंबर 1950 को जब नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था, तब 1947 में देश आजाद हो चुका था और वो आजाद भूमि में जन्मे थे। ये इनका प्रश्न भी यही है कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब संघर्ष जारी था, तब नरेंद्र मोदी जी और उनका परिवार उस समय कहा था, जब नेहरू जी के पिताजी, नेहरू जी की बहन, नेहरू जी की बेटी सब जेल जाने के लिए आते थे, जबकि उनको इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो पैसे रुपए से संपन्न थे। वैभव संपन्न व्यक्ति लगातार इस देश के अंदर अंग्रेजों से संघर्ष करते करते 9.5 साल लगभग जेल में रहे हैं, तो उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने से अच्छा है कि त्रिवेदी जी की बात से शायद सभी सहमत होंगे कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब मोदी जी का परिवार क्या कर रहा था।
मैं आगे कुछ बात करूंगा, उसके पहले एक बात और जोड़ देना चाहूंगा। मैं जोड़ता हूं, देश के अंदर लगातार इस बात का संघर्ष चल रहा था कि कौन अंग्रेजों के साथ जाएगा और कौन अंग्रेजों के खिलाफ जाएगा। देश के अंदर 2024 में भी वही स्थिति है कि देश की एकता अखंडता के साथ कौन जाएगा, और देश को तोड़ने वाली ताकत जो लगातार जाति धर्म भाषा प्रांत के नाम पर लगातार लड़ाई करा रहे हैं, क्या उनके साथ जाएगा देश।